हमीरपुर जिले में बेतवा नदी किनारे वीहड़ इलाके में बसे एक गांव में करीब 15 वर्ष पूर्व नरबलि के एक सनसनीखेज मामले में उम्र कैद की सजा काट रही एक महिला को शासन के आदेश के बाद आज रिहा कर दिया गया, जबकि उसका देवर अभी भी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। महिला ने 14.25 साल से अधिक समय तक जेल में बिताए। हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना क्षेत्र के बजेटा गांव निवासी जयपाल सिंह की पुत्री महिमा 19 अक्टूबर 2004 को धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी। मौके से पूजा पाठ का सामान मिलने पर लोगों ने इस घटना को नरबलि बताया था। इस घटना में पुलिस ने पड़ोसी छोटे पांडे व उसकी भाभी माया पत्नी बाबू पांडे को नाम दर्ज कर हत्या कर साक्ष्य छिपाने की धारा में मुकदमा कायम किया था। पुलिस ने दोनों घटना के दूसरे दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर 2011 को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट 1 ने दोष साबित होने पर माया पांडे व उसके देवर छोटे पांडे को उम्र कैद की सजा दी थी। उम्र कैद की सजा के बाद दोनों हमीरपुर की जेल में निरुद्ध हैं। जेलर पीके त्रिपाठी ने शनिवार को बताया कि शासन स्तर पर स्थायी समिति की बैठक सिद्ध दोष महिला कैदी माया पांडे की आगे की सजा माफ कर दी, जिसे जेल से रिहा किया गया है। जेल प्रशासन की ओर से महिला को एक प्रमाण पत्र भी दिया है। यह महिला कैदी जेल में 14 साल 3 माह 12 दिन की अवधि तक रही है। महिला के जेल गेट से निकलते ही उसके भतीजे भांजे ने फूलों मालाओं के डालकर उनका स्वागत किया। और क्यों रिहा कर दिया गया? 302 में आए थे और मान लो कि उन्हें 14 साल काटने के बाद उन्हें यहाँ को सब देख कर ने मान लो कि अपने वो उस लिए किन्होंने रिहा कर दिया? योगी सरकार। जो सरकार आपकी सजा से तहत आपकी सजा माफ हुई और हमारी चाची माया पांडे रिहा हो रही है और इनको आजीवन कारावास था और एक जो है 3 सदों के केस में ये बंद थी। 14 साल बाद गवर्नमेंट इनको अपने आप बंद कर दे रही है, शासन द्वारा बंद हो रही है। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।